डिसेबल बच्चे हैं जिनकी तरह तरह की डिसेबिलिटी है, ज्यादातर डेफ ये जो इस साइड में बैठे हैं ये मोस्टली डेफ एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन है, और इनके साथ साथ ऑर्थोपेडिक डिसेबल मेंटल डिसेबल के कुछ बच्चे यहाँ पे खड़ा है इस टीम के साथ। तो इस इवेंट का सिर्फ यही मकसद था कि एक तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे को इसके लिए हम जो मुलाकात किया गया है इसके लिए हम पहले ही मुबारकबाद दे रहे हैं अपने जोन की तरफ से, अपने वर्दी उसकी सहायक को सामने लाने के लिए, उसको भराई को लाने के लिए, तो उसको एक टेस्ट देने के लिए, तो उसको भी ऐसा देने के लिए कि तुम किसी से कम नहीं, तुम भी बजा रही है बैट्समैन तैयार, और ये गेंद और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और इसको फैसल ने रोकने की कोशिश, बैट्समैन तैयार, बॉलर भी तैयार, और पहली गेंद देखना होगा क्या होता है, और शारिक को गलत था फेंका, उस वजह से इनको बॉलर चार रन मिल गए। हेल्पलाइन टाइगर्स की तरफ से जो डब के खेल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा थ्रो और रन आउट होने का खतरा था, बॉल बॉल के साथ जिनकी एक डब टीम है, और बहुत ही अच्छा डिफेंस खेला, कोई रन नहीं, पांचवी गेंद करने जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया रमेश राज आ रहे हैं, उनका रनर अप है, क्या मेरा से बसा और अपना भाई मैं उड़ रुकाई थी तो अगली गेंद उसको निकाल गया है वहां पर बॉलर की जाने, वहां पर बॉलर ने बहुत ही विकेटकीपर से उतर रहे थे, नहीं रन लेना चाहते थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन आखिर में मना किया दोनों ने, काफी अच्छा हुआ, हालांकि एक्स्ट्रा काफी खर्च किए उसके बाद, आंखों आंखों में इशारा करते हुए रन मुकम्मल किया है, अब सामना करेंगे रमेश बॉलर, जिनको थमा अपने दाहिने हाथ में दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस लाइन गेंद की, और इसे को क्या शानदार स्ट्रोक खेला है बॉलर ने, विकेट की जाने फील्डर जत्ता खुदा कर ठोक रहे मुकम्मल किया एक रन बिन खिलाड़ी ने, आगे बात समझे बाहर ना से कट करना चाहते थे विकेट कीपर से, जो रुकी नहीं माथे और मैं भी हल्की सी मिस फील्डिंग, अंपायर का इशारा देखना होगा, बिहार में जो ये टूर्नामेंट मुनाकिद किया जा रहा है, इसका इस प्रोग्राम का मकसद है इंक्लूसिव स्पोर्ट्स फॉर एबल डिसेबल टुगेदर, तो ये यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेले गए जैसे चेस, क्रिकेट, कैरम, वॉलीबॉल और बैडमिंटन, तो इस इवेंट का के दो तीन मकासद है, एक एबल और डिसेबल बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना, इनको एक दूसरे के मुतलिक जानकारी देना कि हम इकट्ठे हैं बराबर है, और दूसरा ये कि जो लेबलिंग डिसेबल बच्चों को दी जा रही है कि इनके शायद डिसेबिलिटी की वजह से ये खेल नहीं पाएंगे, इनमें सलाहियत नहीं है, उसको दूर करने के लिए, और तीसरा ये कि समाज में इनके बारे में हसासियत पैदा हो, लोग जाने कि डिसेबिलिटी की वजह से हम बच्चे को घर में कैद नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको तालीम, स्पोर्ट्स और दूसरे चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये समाज में इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार बसर कर सके।